चलिए शुरू करते हैं हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का पार्ट सेकंड का। हमने फर्स्ट पैरा किया था, सेकंड पैरा किया था, आज आते हैं थर्ड पैराग्राफ पे और फिर चलते हैं पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। पार्ट नंबर थर्ड बहुत अच्छा पार्ट है, उसे बहुत अच्छे से हमें कवर करना है। आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत अच्छा, ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड। विरोध क्यों रहा है, खुद के हित है ना, यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड कर दिया तो उनके पास बुद्धि क्या रह जाएगी किसी को पटाने के लिए। क्या हो गया वो तारी, यूनिफॉर्म सिविल कोड कर दिया तो फिर ये जो जाति के हिसाब से जो वोट लेते हैं वो कहाँ जाएंगे, फिर आपके पास मुद्दा ही नहीं बचेगा ना, इजी हो जाता ना ये चीज़ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा दिए फिर आप पर्टिकुलर जाति को कैसे पटाओगे, जातियाँ तो ऐसी पड़ती हैं, पर्टिकुलर जो जाति है वो कैसे पटाओगे, ये है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि तभी वो संविधान निर्माता चाहते थे नहीं किया इन्होंने। आइए, विविधता में एकता हमारे विशाल देश की विशिष्ट पहचान है। आइए यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यूनिटी यानी विविधता, एकता कहाँ, इन विविधता में, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी क्या है, एक विशेष पहचान है, इज एक विशेष पहचान है, इज ए डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड यानी अलग, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, डिस्टिंग्विश्ड आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है बिल्कुल अलग, बिल्कुल सेपरेट को बोलते हैं डिस्टिंग्विश्ड। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज ए डिस्टिंग्विश्ड आइडेंटिफिकेशन, किसकी, हमारे विशाल देश की, ऑफ आवर बिग या टाइटेनिक कंट्री। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब है अलग पहचान, लिखिए भी डिस्कस करते हैं इसको। इसलिए समरूपता का जीवन जीने के लिए पूरे देश को एक कानून से आच्छादित करना पड़ेगा। हिंदी में इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, इसलिए समरूपता का जीवन जीने के लिए पूरे देश को एक कानून से आच्छादित करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी लाइन, करना पड़ेगा इक्वल से इसे वो करना पड़ेगा, आच्छादित को इंपॉर्टेंट कर लेना, हिंदी में भी अच्छा वर्ड है, इक्वल लॉ, इक्वल लॉ यानी समान कानून, करना पड़ेगा पैसिव है, विल हैव टू बी, पैसिव में जाना पड़ेगा कि कर्ता हमारे पास नहीं है, कर्ता की जरूरत भी नहीं है, इक्वल लॉ विल हैव टू बी, समान कानून से इसको आच्छादित करना पड़ेगा। ओवरलैप्ड ओवर द कंट्री, ओवरलैप्ड यानी बिल्कुल इसको ढक लेंगे हम, ओवरलैप कर लेंगे, ओवरलैप्ड, ओवरलैप्ड अच्छा वर्ड हिंदी में इसका मीनिंग अच्छा है, आच्छादित करना, ओवरलैप्ड ओवर द एंटायर कंट्री, ओवरलैप्ड ओवर द एंटायर कंट्री, सारे देश को, सारे देश के ऊपर, एंटायर कंट्री, सेंटेंस को तोड़ के जोड़ना है, पहले तोड़ दो फिर जोड़ दो, समान कानून से पूरे देश को आच्छादित करना पड़ेगा, विल हैव टू बी में आ रहे हैं आप, यहाँ पर करेंगे नहीं, करना पड़ेगा, मजबूरी है, यहाँ पर करना पड़ेगा क्यों, वजह पर आइए, समरूपता का जीवन जीने के लिए, समरूपता मतलब एक जैसा जीवन, वजह पर आ जाइए, टू लीड, टू लीड कैसी लाइफ जीनी है हमको, हमको जीनी है समरूपता का जीवन, कन्फर्म लाइफ, कन्फर्म का मतलब होता है समरूपता, अच्छा वर्ड है हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, कन्फर्म लाइफ, कन्फर्म का मतलब होता है समरूपता। दो वर्ड आपके हिंदी में बहुत अच्छे मिले हैं, पहला है आच्छादित और दूसरा है आच्छादित करना, हिंदी का भी एक अच्छा वर्ड और इंग्लिश का भी एक अच्छा वर्ड, समरूप जीवन, समान वहां बोला है तो समरूप यहाँ बोला है, वो समान ये समरूप है, हिंदी में भी थोड़ा सा बोलने में अंतर है और इंग्लिश में भी बोलने में थोड़ा सा अंतर है, वर्ड को पकड़ना है, दो ऐसे एक साथ चल रहे हैं आपके, दो ऐसे साथ रोटेशन ले रहे हैं तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता,
इज ए डिस्टिंग्विश्ड, DISTINGUISHED, स्पेलिंग बहुत अच्छी है इसकी। डिस करो, फिर टिन करो, डिस्टिन, फिर ग्विस्ट करो, और ऐसा वर्ड है जो किसी भी ऐसे में हमारा वर्चस्व दिखाएगा, अलग, तभी तो डिस्टिंक्शन आती है। ये तो वर्ड है डिस्टिंक्शन वाला, डिस्टिंग्विश यानी बिल्कुल अलग, बिल्कुल सेपरेट। यूनिटी डाइवर्सिटी इज ए डिस्ट्रीब्यूट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर बिग और टाइटेनिक कंट्री, इक्वल लॉ विल हैव टू बी ओवरलैप, आच्छादन कर देंगे, ओवरलैप ओवर द एंटायर कंट्री टू, वाई, वजह, मकसद, एम टू लीड कंफर्म लाइफ, समरूपता का जीवन जीने के लिए। बहुत अच्छे कंटेंट चले, और थर्ड पार्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है। आइए नेक्स्ट, एक समान कानून पूरे देश की अखंडता और एकता के लिए नींव का पत्थर साबित होगा, अंडरलाइन। बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन है, कंटेंट है, देखिए आप क्या कह रहा है ये। एक समान कानून पूरे देश की अखंडता और एकता के लिए नींव का पत्थर साबित होगा, इक्वल लॉ, एक समान कानून, इक्वल लॉ, समझते चलिए। बहुत टेक्निकल इशू है, बहुत प्यारा इशू है ये, ऐसे आ गया तो 90% लोग लिख ही नहीं पाएंगे, कंटेंट को कॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत टेक्निकल वर्ड बहुत अच्छे हैं। सोशल में तो क्या है, बिला बिलो के लिख देता है, यहाँ तो जब तक वर्ड टू वर्ड नहीं चलेगा कुछ नहीं होगा। इक्वल लॉ विल बी प्रूव्ड, सिद्ध होगा, साबित होगा, देखो पैसिव चल रही है लेकिन टेंस वाली, आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग के लिए ज्यादा जोर नहीं आ रहा है। विल बी वो है, विल हैव टू बी, ये विल बी, ये होगा ही होगा, करना पड़ेगा, नहीं विल हैव टू बी प्रूव्ड, पैसिव में चल रहे हैं आप, विल हैव टू बी प्रूव्ड, क्या साबित होगा, नींव का पत्थर, कॉर्नर स्टोन, क्या साबित होगा, नींव का पत्थर, कॉर्नर स्टोन, अंडरलाइन फ्रेज है, पहली फ्रेज आई आज, कॉर्नर स्टोन। काई के लिए वर्ड को पकड़िए, अखंडता और एकता देश की, अखंडता और एकता, भारतीय संविधान के वर्ड, भारतीय संविधान के वर्ड, काई के लिए कॉर्नर स्टोन साबित होगा, देश की अखंडता के लिए और एकता के लिए, कॉर्नर स्टोन, नींव का पत्थर, काई के लिए, बड़े आराम से इसका थर्ड पार्ट बुलाओ, फोर, अखंडता को कहते हैं इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, अखंडता, बड़ा हिंदी, हिंदी का अच्छे वर्ड आए आज, आच्छादित करना, समरूपता, ऐसे वर्ड के साथ आपने हिंदी में ऐसे लिख दिया तो इंग्लिश से ज्यादा नंबर, और वहां से ज्यादा यहाँ लिख दिया तो यहाँ ज्यादा नंबर, दोनों में कंपेरिजन करना है आपको, दौड़ लगवानी है। 100% बोल रहा हूँ, 100, पिछली बार 3 आए थे, मैंने लिखाया था चाइल्ड लेबर पर, उधर दे दिया बाल अपराध, वहीं से पैदा कर लो, और एक आया था मीडिया वाला, मैंने करवाया था मीडिया ट्रायल, उसको भी घुमा के कुछ ऐसा ही दिया था, क्योंकि कंटेंट तो यही है ना, कहाँ जाएंगे आपके जो टॉपिक्स हैं, जो भी ऐसे ही आने वाले टॉपिक्स हो, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कहाँ रोटेट करेंगे, यहीं से आएंगे। अखंडता, कॉर्नर स्टोन फॉर इंटीग्रिटी एंड काहे के लिए, यूनिटी, एकता के लिए, बहुत अच्छे से लाइन को पकड़ लेना, और ऐसी वर्डिंग लिख दी ना आपने, हिंदी में भी डेढ़ सर्टिफिकेट कहता हूँ, हाई मार्क्स आएंगे। कॉर्नर स्टोन फॉर इंटीग्रिटी एंड यूनिटी, अखंडता और एकता, आगे चलिए, बहुत अच्छी लाइन है। एक देश में अलग कानून समय और विकास की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं, फिर हमने कहा देश में अलग कानून समय और विकास की कसौटी पर, यानी हम इनको इनडायरेक्टली वर्थलेस लॉ कहना चाहते हैं, वर्थलेस कहना चाहते हैं, अलग कानून, सेपरेटेड लॉज, जो अलग अलग कानून है, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, सेपरेटेड लॉज नहीं उतर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, आर नॉट होल्डिंग वाटर, नॉट होल्डिंग वाटर, किसकी कसौटी पर, उसकी कसौटी को देखो, वाटर एट टच स्टोन ऑफ टाइम एंड डेवलपमेंट, समय और विकास की कसौटी पर, या इसको कर लो प्रगति और विकास की कसौटी पर, ज्यादा अच्छा लगेगा, अब उसको प्रोग्रेस, उसको उठा देते हैं टाइम को, वाटर एट टच स्टोन, ये तो ऐसा कैसा आएगा, टच स्टोन ऑफ, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, क्योंकि प्रोग्रेस डेवलपमेंट का सिनोनिम है, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट,
प्रोग्रेस एंड, इसको प्रोग्रेस बोलते हैं, डेवलप डेवलप बोलेंगे, डेवलपमेंट करो उस पैराग्राफ से अच्छी दोस्ती। आज का पहला पैराग्राफ, इसे अच्छी दोस्ती करनी है और इसको उतारना ही उतारना है आपको ऐसे सेक्शन में। यूनिटी डाइवर्सिटी इज डिस्टिंग्विश आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर कंट्री। विविधता में एकता हमारे देश की अलग पहचान है, डिस्टिंग्विश आइडेंटिफिकेशन है। फॉर दिस आवर टाइटेनिक कंट्री, बिग कंट्री, इनॉर्मस कंट्री, वॉल्यूमिनस कंट्री, जाइगनेटिक कंट्री, जो भी याद आ जाए वो लिखना है। इक्वल लॉ विल हैव टू बी ओवरलैप्ड ओवर द कंट्री टू लीड कन्फर्म लाइफ। ओवरलैप आच्छादित करना, हिंदी का बहुत अच्छा वर्ड। तो समान कानून से हमारे पूरे देश को आच्छादित करना पड़ेगा। काय के लिए, वजह, मकसद, टू लीड कन्फर्म लाइफ, समरूपता का जीवन जीने के लिए। ऐसा नहीं है मुस्लिम तो पॉलीगैमी के लिए अलाउ है, बाईगैमी के लिए अलाउ है। हिंदू यदि बाईगैमी दो शादियां कर लेता है तो ऑफेंस माना जाएगा, मुस्लिम पॉलीगैमी चार शादियां करेगा तो भी उसके लिए कानून है, कैसा हो सकता है। और फिर चार शादी करने में जिन तीन औरतों का शोषण होगा मेंटली और फिजिकली, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार है देश का अलग कानून। वो तीन औरतें जो हैं, तीन शादियां करके, कोई भी तीन औरतें, पहली जो तीन औरतें हैं वो तीन शादियां करके क्या होगी? एक्सप्लोटेशन का शिकार होगी, एक्सप्लोटेशन का शिकार होगी, देश की प्रगति में बाधा आएगी। वो तीन औरतें अलग अलग इंसानों से शादी करती है तो नेचुरल है प्रोग्रेस में माइलस्टोन साबित होगी, अपना इंडोमिटेबल योगदान देगी, लेकिन वो तीन औरतों का शोषण हो जाएगा देश के अलग अलग कानून के। इसीलिए यूसीसी की रिक्वायरमेंट है, हमें देश को क्लियर करना है कि भाई यूसीसी की रिक्वायरमेंट क्यों है। इसलिए है कि देश की प्रगति का यूसीसी से कनेक्शन है। बोले काय को लागू करें, इंटरव्यू में क्वेश्चन बना जाए कि साहब यूसीसी लागू करने से क्या बेनिफिट होगा, बोले साहब ये बेनिफिट होगा यूसीसी लागू करने से। जैसे आपसे बोलेगा एब्रोगेशन ऑफ 370 सुन तो लिया, समझ तो लिया कि एब्रोगेशन ऑफ 370 कश्मीर में कर लिया, क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा? तो फर्क अपन पूरा ऐसे लिखेंगे उस पर कि भैया एब्रोगेशन ऑफ 370 की ये कहानी है और ये फर्क पड़ा है। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है, यूसीसी पे क्वेश्चन बनेगा, चाहे यहाँ बनाए, चाहे हिंदी में बनाए और चाहे इंटरव्यू में बनाए, यूसीसी पे क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि इस समय सबसे बर्निंग इशू है देश की पॉलिटिक्स को लेकर, देश की प्रोग्रेस को लेकर। तो आपने कहा इक्वल लॉ विल बी प्रूव्ड, समान कानून सिद्ध होगा, कॉर्नर स्टोन, नींव का पत्थर, काय के लिए, और इंटीग्रिटी एंड यूनिटी, अखंडता और एकता के लिए। फिर हमने प्रहार किया अलग अलग कानून पर, लेकिन बहुत अच्छी टेक्निकल लैंग्वेज में, द सेपरेटेड लॉ आर नॉट होल्डिंग वाटर एट टच स्टोन ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। अलग अलग जो कानून है सब प्रगति और विकास की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहे हैं। नॉट होल्डिंग वाटर एट टच स्टोन ऑफ टाइम, वहां पर एट स्टोन ऑफ टच स्टोन ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट एक साथ ही करेंगे। और ये लाइन भी हम किसी भी ऐसे में ले जा सकते हैं जहां में किसी भी चीज को निगेटिव करना हो तो ये वाली लाइन, और किसी चीज को पॉजिटिव करना हो तो नोट हटा दोगे। आपको लगना इसकी बड़ाई करनी है कानून की या पॉलिसी की या सरकार की या कोई कदम की तो नोट हटा देना। आपको लगना इसकी बुराई करनी है, इसको थोड़ा सा एडवर्स मिलाना है तो नोट लगा देना, होगी बढ़िया रामबाण लाइन। कौन सा बस वहाँ लॉज हटा देना और उसके लिए जो भी आपका टॉपिक हो, जो भी पॉइंट हो, जो भी पॉलिसीज हो, जो भी लॉज हो, जो भी स्टेप हो, वहां पर इसको अप्लाई कर देना और बाकी जिसे कहते हैं आप इसको हटा दो। टू एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इज होल्डिंग वाटर एट टच स्टोन ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, होगी एक लाइन। आर्टिकल 370 को लगा दो, ट्रिपल तलाक को लगा दो, टू इरेडिकेट ट्रिपल तलाक इज होल्डिंग वाटर एट टच स्टोन ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, कोई से भी पांच ऐसे की, दस ऐसे की, पचास ऐसे की, एक शानदार लाइन तैयार हो गई, कहीं पर भी अप्लाई कर लो। क्लियर विनायक, रीड करो आगे उड़े। The separated laws are not holding water at touchstone of progress and development. अलग अलग कानून विकास और प्रगति की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं, हमें बैकग्राउंड मजबूत करना है यूसीसी लागू करने के पक्ष में, क्योंकि विरोध तो इसका हो ही नहीं सकता है। हम यूसीसी को ला रहे हैं टेक्निकल वे में। आगे देखिए, किसी भी देश के नागरिक को देश की दुगनी और रात चौगुनी प्रगति के लिए अपने निजी स्वार्थों की आहुति देनी चाहिए। बहुत अच्छी लाइन, निजी स्वार्थों की आहुति देनी चाहिए, पहले इसी को लेते हैं। आप
एनी सिटीजन ऑफ कंट्री, देश का कोई भी नागरिक, चाहिए में आ रहे हो आप किस में आ रहे हो, लिखते लिखते क्लियर करते चलना, एनी सिटीजन ऑफ कंट्री, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते आप इतने पारंगत हो जाने चाहिए कि आ जाओ कुछ भी आ जाओ। एनी सिटीजन ऑफ कंट्री एक्टिव का सेंटेंस है, शुड आएगा, आहुति सेक्रीफाइस, कुर्बानी सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस हिज क्या निजी हित, पर्सनल इंटरेस्ट अपनी निजी हित। हिंदी को भी बराबर लेते चलना, दो ऐसे आपके तैयार हो रहे हैं बराबर, एक वर्ड आपको बाहर से तैयार करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज छाप देना हिंदी में। एनी सिटीजन ऑफ कंट्री मस्ट सेक्रीफाइस इज पर्सनल इंटरेस्ट, काय के लिए, देश के दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की के लिए, फॉर लीप्स एंड बाउंड प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। दोबारा आ रही है तो इस चीज के ये भी कर सकते हैं आप, बाउंड प्रोग्रेस प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, यदि इसको आप बदलना चाहें तो यहाँ पर स्काई रॉकेटिंग प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। फोर के बाद यहाँ पर आपको चेंज करना है कि वो लिख चुके हैं हम, क्योंकि डबल रिपीटेशन क्या है, थोड़ा सा स्काई रॉकेटिंग प्रोग्रेस भी कर सकते हैं, स्काई रॉकेट की स्पीड से, स्काई रॉकेटिंग स्पीड प्रोग्रेस, ये भी वही मतलब दे रहा है जो वो वाली दे रहा है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो वक्त में पहले याद आए वो आपको यूज करना है, दिमाग उस समय कितना साथ देगा वो अलग मैटर है। तो आपने कहा पहला, आज इसका पहला सेंटेंस, एनी सिटीजन ऑफ कंट्री शुड सेक्रीफाइस हिज पर्सनल इंटरेस्ट फॉर लीप्स एंड बाउंड प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, या स्काई रॉकेटिंग स्पीड प्रोग्रेस, दोनों का एक ही मतलब है। और देखिए आप, राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए अल्पसंख्यकों को भड़काती है। आइए, राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज भड़काती है कि साहब ये आपके विरोध में है, इससे आपके धर्म को वो होगा, आगे बात करते हैं। द पॉलिटिकल पार्टीज भड़काती है को दिमाग में लेना, क्या आएगा, पार्टीज भड़काती है, इंसाइट करती है, पॉलिटिकल पार्टीज इंसाइट द माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों को, इंसाइट द माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों को भड़काती है, अल्पसंख्यकों को भड़काती है काय के लिए, आपका जिसे कहते हैं सत्ता पाने के लिए, शासन करने के लिए, टू यहाँ पर शासन कर लो रेन REIGN, और सत्ता पाने के लिए करो तो टू के बाद गार्नर करके रिसीव करना पड़ेगा, जो भी अच्छा लगे वो ये कर चुके हैं अपन रिसीव वाला, तो सत्ता शासन करने के लिए रेन और सत्ता पाने के लिए रिसीव, दोनों का सेंस एक ही है, कुछ भी यूज कर लेना। शासन करने के लिए तो टू रेन आएगा, अच्छा वर्ड है, प्रशासनिक वर्ड है REIGN, प्रोनाउंसिएशन होगा रेन, हिंदी मतलब होगा शासन करना, और रेन दिमाग में नहीं आए तो रूल से भी काम चल जाएगा, RULE, रूल का मतलब भी शासन करना, रेन का मतलब भी शासन करना और रूल का मतलब भी शासन करना। तो राजनीतिक दल भड़काते हैं अल्पसंख्यकों को काय के लिए, शासन करने के लिए, सत्ता पाने के लिए, उनका पर्सनल इश्यू है। इधर लोगों को जोड़ा कि भैया तुम्हारा पर्सनल जो इंटरेस्ट है कि चार शादी करेंगे तो वो थोड़ा सा त्याग दो, क्योंकि आपके देश की प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, और लोगों के मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं, जो देश के विकास के लिए सबसे बड़ी वादा है। विच इज द लॉयन इन द पाथ, विच फिर से विच से जोड़ा, फिर कंजक्शन जोड़ा, सीख लो, विच इज लॉयन इन द पाथ, लॉयन इन द पाथ फॉर प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, फॉर प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। सेकेंड पैरा में हमने जोड़ा कि हमारे पर्सनल इंटरेस्ट की आहुति दो, इसको हिंदी में कितना बोलने में कितना प्यारा लगता है, आहुति, इसको भी आप हिंदी में अच्छी यूज कर सकते हैं, आहुति देना, कुर्बानी देना,
Any citizen of country should sacrifice his personal interest for leaps and bound progress of country, skyrocketing speed progress, the political parties inside the minorities to reign, to garner regime which is lying in the path for progress of our country. ये आपके political लोगों का जो personal interest है वो ही देश की progress के लिए आपका बाधक बनता है. एक बार अशोक हिंदी पढ़कर बिना अंग्रेजी देखे ट्रांसलेशन करो, ना बोर्ड पे अंग्रेजी देख रही है ना आपको मोबाइल में अंग्रेजी देख रही है, कोशिश करो डायरेक्ट ट्रांसलेशन लेने की. ये लास्ट पैराग्राफ आज के पॉइंट का लास्ट पैरा, हिंदी पढ़ो और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करो, देखिए कितने एक्स्ट्रा पोर अंग्रेजी बनती है. सीधा हिंदी देखो अंग्रेजी पढ़ो, जहां दिक्कत आए वहां थोड़ी सी हेल्प ले लेना, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पोर बनवाना ही आखिरकार. कोई भी देश के नागरिक को अपने पर्सनल इंटरेस्ट की आहुति दे देनी चाहिए. सेंटेंस को तोड़ दो आप, हो चाहिए लीव्स एंड बाउंड प्रोग्रेस ऑफ कंट्री. आगे चलो, राजनीतिक दलों को अल्पसंख्यकों को भड़काते हैं, पहले इतना सा बोलो. यस, बाय रीजन पे आ जाओ, टू रेन या टू गार्नर रिजीम, जो रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है, जो आपके देश की प्रोग्रेस के लिए सबसे बड़ी बाधा है, विच इज लॉयन इन द पाथ फॉर प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री. एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, एनी सिटीजन ऑफ कंट्री शुड सेक्रीफाइस हिज पर्सनल इंटरेस्ट फॉर लीप्स एंड बाउंड प्रोग्रेस ऑफ कंट्री या स्काई रॉकेटिंग स्पीड प्रोग्रेस, द पॉलिटिकल पार्टीज इनसाइड द माइनॉरिटीज टू रेन और टू गार्नर रिजीम विच इज लॉयन इन द पाथ फॉर प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री. कल आते ही अपन जो जैसे आज का अपन डिस्कस किया, आते ही उसकी कल वॉकअप पूछूंगा शुरू के 5-10 मिनट, तो थोड़ा सा वॉकअप देखकर आएंगे आप. रिजीव क्या होता है, रीड क्या होता है, तो थोड़ा सा आप पर क्या है, थोड़ा सा 5-10 मिनट का प्रेशर आ जाएगा, नहीं आएगा तो रिपीट कर लेंगे. जैसे आज पढ़ लिया ना तो संडे, अभी तो अथॉरिटीज बताएंगी. गार्नर प्राप्त करना, इससे आपको क्या रिलेटेड वॉकअप रोटेट होती रहेगी, ठीक है ना रघुवन. जैसे आज का हमने पढ़ा तो आज की जो वॉकअप आते ही पूछ लेंगे रिसीव क्या होता है, रेंज क्या होता है, 5 मिनट एक बर्बल टेस्ट ले लेंगे, जिससे आपकी वॉकअप भी रोटेशन होती रहेगी, जिससे हमारा और बेनिफिट होगा. हमें तो बेनिफिट पे जाना है कुल मिला के, फिर रिटर्न करेंगे. आइए नेक्स्ट बात, थर्ड बात, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आपका यूनिफॉर्म सर्विस कोड की एक लीगल कहानी शुरू होती है कि क्या कहा और किसने कहा. देखिए बहुत अच्छी कहानी शुरू होती है यूसीसी की, यहाँ से यूसीसी एक अच्छा टर्न ले रहा है, तो एग्जाम में जाने से पहले ये थर्ड पार्ट को थोड़ा सा अच्छा सा पढ़ लेना, रटना नहीं, रटने तक तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं आपको. रटने वाला जो हार्ड डिस्क है आपके दिमाग से वो बिल्कुल हटा देंगे, रिमूव ही कर देंगे. रटोगे किससे, कहाँ से रटोगे आप, सेक्शन ही खत्म. आइए देखिए, कोई भी कानून मानवीय गौरव की रक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है ना, बनाता क्यों है, मानवीय गौरव बढ़ेगा तो गाना किसी की ह्यूमिलेट करने के लिए कानून थोड़ी बनता है. तो देखिए आप बनाए जाते हैं, पैसे में चलेंगे आप. एनी लॉ, कोई भी कानून मानवीय गौरव की रक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं, पैसे में चलेंगे आप. एनी लॉ इज, बनाए जाते हैं कानून हमेशा इनेक्ट होता है. एनी लॉ इज इनेक्टेड, कोई भी कानून बनाए जाते हैं इस पैसे में है. एनी लॉ इज इनेक्टेड काय के लिए, मानवीय गौरव की रक्षा करने के लिए. मकसद पर आ जाओ, टू प्रोटेक्ट यानी बचाना, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन ग्लोरी, ग्लोरी यानी गौरव, ग्लोरी यानी यश. हिंदी की भी वर्डिंग मेरे को जितनी आती है मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, क्या मालूम कहीं काम आ जाए. प्रोटेक्ट बचाना, यश हो गया, ग्लोरी हो गया, आपका कीर्ति हो गई, ये हिंदी के वर्ण है. मेक नहीं आएगा, कानून इनेक्ट होता है, आप कभी भी पढ़ोगे ना लोगों को तो इनेक्ट ही आएगा, कानून हमेशा इनेक्ट होता है. लागू होगा तो इम्पोज होगा, तो टूटेगा तो वॉयलेट होगा, और इसकी कमियों को कहते हैं लूप होल्स. इसलिए कानून में कभी ड्रॉबैक्स मत कर देना, कानून की कभी कभी शो करनी हो ना तो आप वहां पर लूप होल्स वाली यूज करेंगे. कानून में जितनी भी कमियां होती है ना उसको लूप होल्स के जरिए इंडिकेट किया जाता है. ड्रॉबैक है अपन में कि साहब हमारे अंदर ये ड्रॉबैक है, या जो भी हमारे ड्रॉबैक है पर्सनैलिटी में वो ड्रॉबैक कहलाता है. क्लियर, लूप होल्स कानून की कमी को, इसको भी यूज करेंगे किसी न किसी जगह यूज तो होगा. एनी लॉ इज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन ग्लोरी,
और आगे की कहानी सुनो। लेकिन मगर निजी कानून लागू करना महज एक बंधन होता है, वर्डिंग को पकड़ो आप, जरूरी है कि साहब वोट बैंक लेना है, टू इम्पोज पर्सनल लॉ, मालूम है कुछ होगा नहीं, लेकिन बट टू इम्पोज पर्सनल लॉ, जैसे यहाँ कर रखे हैं अपने देश में, टू इम्पोज पर्सनल लॉ इज केवल मात्र एक बंधन होता है और कुछ नहीं, इज मेयरली ए रेस्ट्रिक्शन। मेयरली का मतलब होता है केवल मात्र, ये वर्ड लिखने से थोड़ा सा इंप्रेशन हो गया, मेयरली केवल मात्र, मेयरली ए रेस्ट्रिक्शन, मेयरली रेस्ट्रिक्शन, केवल मात्र एक बंधन होता है कि साहब फलानी कास्ट नाराज हो जाएगी, छूट दे दो, फलाना रिलीजन नाराज हो जाएगा, अरे देश से कनेक्ट करो ना, इंसान से क्यों कनेक्ट कर रहे हो आप? आप ये देखो कि क्या ये लागू करने से, यह कहानी करने से फायदा हो रहा है क्या? वो देकर जाओ, लगता है थोड़ा सा भी नुकसान हो रहा है, मत करो, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कदम तो लेना पड़ेगा ना देश की प्रगति के लिए। महिलाओं को तर्कविहीन कानून नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, अंडरलाइन कर लो, महिलाओं को ये तर्कविहीन कानून नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। किसी भी इंग्लिश की फैकल्टी से इतनी प्यारी हिंदी सुनिए क्या? तर्कविहीन कानून नकारात्मक रूप से प्रभावित, मेरा हिंदी में भी अच्छा बोल रहा है इसलिए थोड़ा थोड़ा काम चल जाता है। तो देखिए आप, दिस लॉजिक लेस लॉ, आराम से तर्कविहीन कानून, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो ये लैंग्वेज तो अपन को यूज करनी ही करनी है। दिस लॉजिक लेस लॉस, ये तर्कविहीन कानून, आराम से हो गया, तर्कविहीन कानून यानी लॉजिक ही नहीं है, लॉजिक लेस लॉ, प्रभावित करते हैं, अफेक्ट काम में आएगा, अफेक्ट वर्ब है, इफेक्ट नहीं आएगा, इफेक्ट मत कर देना नहीं गड़बड़ हो जाएगा। दिस लॉजिक लेस लॉज इफेक्ट, किसको इफेक्ट करते हैं? इफेक्ट, इफेक्ट, इफेक्ट केवल नाउन होती है, प्रभाव, इफेक्ट केवल प्रभाव होता है, वर्ब नहीं होती है, ये सिर्फ प्रभाव होता है, ये वर्ब है, ये चलती है, वो चलती नहीं है, वो ट्रैक्टर की ट्रॉली है, ये ट्रैक्टर है, ये चलती है। अफेक्ट, प्रभावित करना, प्रभावित करना, इसको चलाना है तो इसके आगे ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा, शो लगा दिया, गीव लगा दिया, टेल लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। तो आपने कहा दिस लॉजिक लेस लॉज अफेक्ट, ये तर्कविहीन कानून प्रभावित करते हैं किसको? ये प्रभावित करते हैं आपके औरतों को, विमेन ही आएगा ना, विमेन, कैसे कैसे प्रभावित करते हैं? नकारात्मक रूप से, इन निगेटिव वे, इन निगेटिव वे। अब किसी आदमी ने चार शादियां कर ली तो नेचुरल है तीन औरतों को तो निगेटिव रूप से प्रभावित हो गया ना, इनका जीवन जीवन थोड़ी रहा, पता नहीं क्या जीवन होगा, फिर बच्चों को संभालो, पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई, खत्म, नेचुरल है निगेटिव वे में काम करेगा। तो देखिए इसको इससे कनेक्ट करिए, दिस लॉजिक लेस लॉज अफेक्ट विमेन इन निगेटिव वे, आराम से तोड़ते हुए, ये तर्कविहीन कानून प्रभावित करते हैं औरतों को नकारात्मक रूप से। क्लियर, आगे बढ़ो स्टेप बाय स्टेप। मुस्लिम समुदाय की ये मिथ्या धारणा है कि ये कानून की भावनाओं को आहत करेगा, अंडरलाइन कर लो, कि साहब हमारे कुछ लिबर्टी खत्म हो जाएगी, हमारे धर्म पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमें शो करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, कानून सबके लिए अच्छा है। दिस इज मिथ, दिस इज मिथ, ये मिथ्या धारणा है, इसको इंपोर्टेंट कर लो, ये गलत धारणा है, ये गलत धारणा है। दिस इज मिथ ऑफ द, दिस इज मिथ ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटीज, मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम संप्रदाय की ये मिथ्या धारणा है। क्या मिथ्या धारणा है? हिंदी में सुनो, कि ये कानून उनकी भावनाओं को आहत करेगा, हिंदी का वर्ड पकड़िए, आहत करेगा, हिंदी में कितना सुंदर लगता है, वक्त वक्त पे याद नहीं आता है, ये कानून उनकी भावनाओं को आहत करेगा। दिस लॉ विल
दिस लॉ विल हर्ट दियर सेंटिमेंट्स, उनकी भावनाओं को, उनके इमोशंस को, दियर फीलिंग्स भी कर सकते हैं वो भी चलेगा, और सेंटिमेंट्स लिखे तो और अच्छा लगेगा क्योंकि इंग्लिश का एक अच्छा वर्ड है सेंटिमेंट्स। इमोशंस भी कर सकते हैं, फीलिंग्स भी कर सकते हैं, थॉट भी कर सकते हैं, कुछ भी लाइफ भी कर सकते हैं, वो वक्त में जो याद आ जाए, पर करना है कुछ ऐसा ही है जो से रिलेटेड हो। देखिए बहुत अच्छा पैरा क्या कह के जा रहा है, समझिए पहले इसको, क्योंकि हमें यहाँ पर मैथ्स की तरह समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि रटने पर बहुत बर्डन है, आपको बहुत कुछ पढ़ना है। इस सब्जेक्ट को तो एक मनोरंजन क्लास के रूप में लेना है कि जैसे कोई हम मनोरंजन करने आए हैं बस उतना ही। इसको ना तो सब्जेक्ट समझना है, ना ही इसको जिसे कहते हैं बर्डन लेना है, और इसको हिंदी भी ऐसे तैयार करने की दो सब्जेक्ट की तो टेंशन ही नहीं है। मेरे कहने पर आंख बंद करके दो सब्जेक्ट की टेंशन मत लेना, पेपर बहुत अच्छा होगा, इसकी गारंटी ले रहा हूँ मैं। अब बाकी सब्जेक्ट पे आप ध्यान दो ताकि हम एक अच्छे रिजल्ट को देख सकें, अच्छे नहीं बहुत अच्छे को। एनी लॉ इज इनेक्टेड, हर कानून लागू होता है, होता का मतलब पैसिव है। थोड़ा थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखना, वहां पर लाइन लिखने से पहले थोड़ी ग्रामर से बातचीत कर लेना कि ग्रामर वॉयलेशन पे तो नहीं आ रही है, बस थोड़ा सा ये वहां पर थोड़ा सा आप कंसिडर करके चलेगी, जो हम लिख रहे हैं ग्रामर वॉयलेशन तो नहीं हो रही थी, वो तो मैं प्रैक्टिस में और टेस्ट में काफी हद तक रिमूव कर दूंगा, कोई 1-2% तो मैं नहीं कहता। एनी लॉ इज इनेक्टेड, हर कानून लागू होता है, लागू किया जाता है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन ग्लोरी, मानव का गौरव बचाने के लिए। ग्लोरी गौरव हो गया, यश हो गया, कीर्ति हो गई, वैसे कीर्ति और यश के भी वर्ड अलग आएंगे, ग्लोरी मतलब गौरव। बट टू पर्सनल लॉ, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यूज करेंगे इसका टेररिज्म में, यूज करेंगे महिलाओं की भागीदारी सशस्त्र सेना में, इस पर भी ऐसे आ सकता है, महिलाओं की भागीदारी सशस्त्र सेनाओं में, इस पर भी ऐसे आने की संभावना बहुत अच्छी, वहां पर हम ग्लोरी को, कीर्ति को, यश को यूज करेंगे। तो आपने कहा बट टू पर्सनल लॉ इज मेयरली रेस्ट्रिक्शन, आपका जिसे पर्सनल लॉ है, बट टू इम्पोज और लगाओ, टू इम्पोज पर्सनल लॉ, इम्पोज रह गया हमारा, पर्सनल कानून लागू करना, टू इम्पोज पर्सनल लॉ, आपका व्यक्तिगत कानून लागू करना केवल मात्र एक प्रतिबंध है, मेयरली रेस्ट्रिक्शन, फिर ये तर्कविहीन कानून प्रभावित करता है, फिर सुनिए, ये तर्कविहीन कानून प्रभावित करता है, दिस लॉजिकलेस लॉज, ये तर्कविहीन कानून जितने भी हैं वो प्रभावित करते हैं अफेक्ट, वर्क की फर्स्ट फॉर्म लॉज के कारण, किसको, विमेन, औरतों को, कैसे, इन नेगेटिव वे, विपरीत रूप में, नकारात्मक रूप में, और हमने बता दिया क्यों, दिस लॉजिकलेस लॉज अफेक्ट विमेन इन नेगेटिव वे। दिस इज मिथ, ये गलत धारणा, ये मिथ्या धारणा, ये झूठी धारणा है, ये एक मिसकंसेप्शन है, क्या मुस्लिम कम्युनिटी का, कि यदि ये लागू होगा तो हमारा धर्म इफेक्ट होगा, हमारे धर्म पे रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, हमारी लिबर्टी पर लग जाएगा, दिस लॉ विल हर्ट दियर फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स, ये उनकी जस्ट एक क्या है, मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूसीसी ना तो किसी के अधिकारों का हनन करेगा, ना ही किसी को हर्ट करेगा, ये सब नागरिकों को एक छत्र छाया में लेकर आएगा, एक पेट्रोनियस में लेकर आएगा, ना किसी के अधिकार, ना मूल अधिकारों का हनन, ना किसी के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन, किसी का कुछ हनन नहीं होगा। फिर आप अपोज भी क्यों ला रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपको भड़काया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है यूसीसी लागू हो गया तो आपका धर्म इफेक्ट होगा, आपका रिलीजन इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, यूसीसी लागू होने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। रघुवर एक बार पढ़िए, हर दिया फीलिंग्स और सेंटिमेंट, ये उनकी मिथ्या धारणा है, कंटेंट को हिंदी में रोटेट कर लो, कि ये तर्कविहीन कानून औरतों को प्रभावित करेगा विपरीत रूप से, ये भी गलत है, और मुस्लिम समुदाय की धारणा को, मुस्लिम समुदाय की फीलिंग्स को, उनके रिलीजन को हर्ट करेगा, ये धारणा भी गलत है, ये हमने लास्ट पैराग्राफ में, गुजरते हुए पैराग्राफ में कहा। अब आइए लीगल बेस, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एसे। मोहम्मद अहमद खान और शाहबानो बेगम ने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अनुच्छेद 44 लागू करने की पुरजोर दिशा निर्देशित किया था, भाई तुम्हें करना है। आइए लीगल ग्राउंड लेते हैं इसका, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड इंस्ट्रक्टेड, देखते माइंड में रोटेट करना है, कंटेंट भी और इंग्लिश भी, देखिए क्या स्पीड पर आ जाएंगे, हैड इंस्ट्रक्टेड, दिशा निर्देशित किया था उन्हें, निर्देशित, हैड इंस्ट्रक्टेड क्या कहा था, क्या इंस्ट्रक्शन दिया था इनको, हैड इंस्ट्रक्टेड वी मेंटली पुरजोर, ऐसे नहीं हल्के में, नहीं तुम्हें करना ही है, मतलब एस मोड पे आ गई थी, वी मेंटली टू इम्पोज लागू करने के लिए, भाई तुम्हें लागू करना है, टू इम्पोज चेक आर्टिकल 44 इन, आर्टिकल कर लेना इसे, आर्टिकल 44 किस केस में, इन मोहम्मद, इसका नाम जरूरी है, मोहम्मद अहमद खान, इसको जरूरी है क्योंकि इसका नाम लिखेंगे तो बहुत अच्छा हमारा, मोहम्मद अहमद खान इंस्ट्रक्टेड वी मेंटली, इसको वर्ड को रोज आ रही है, VEHEMENTLY पुरजोर, यानी जिसमें उसने भी ताकत लगा दी थी कि भैया तुम लगाओ ये, ऐसा नहीं है तुम ऐसे रोज जिसे कहते हैं मजाक कर रहे हो, मोहम्मद अहमद खान केस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, वर्सेज शाह बानो बेगम, केस का ये नाम है, शाह बानो बेगम, केस का नाम याद रखना है क्योंकि इससे यूं लगता है कि मेहनत होता हुआ ऐसे आया है, शाह बानो बेगम ने कहा, पहला केस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड इंस्ट्रक्टेड वीमेंटली टू इम्पोज आर्टिकल 44 इन मोहम्मद अहमद खान, इन मोहम्मद अहमद खान वर्सेज शाह बानो बेगम, इंस्ट्रक्टेड द गवर्नमेंट को लगा दो उससे पहले, क्योंकि गवर्नमेंट को कहा था तो पूरा हो जाएगा, द गवर्नमेंट सरकार ओन कर दो, द गवर्नमेंट कैसे, वीमेंटली बहुत पुरजोर से, VEHEMENTLY काय के लिए, लागू करने के लिए, टू इम्पोज, अब हमारी कहानी पूरी होती है, केस का नाम याद रखना है आपको, जैसे ऑनर किलिंग में हमारे केस थे, मनोज वर्सेस बबली, कौशल्या वर्सेस शंकर, क्या नंदेश वर्सेस स्वाति, और हमारा यहाँ पर जो केस आ रहा है वहाँ पर था अपना उसका अरुणा शर्मा का, यहाँ पर एक एक केस को याद रखना है, लास्ट में डिस्कस करेंगे जब कुछ दिन बचेंगे तो हम वर्बली दो चार ऐसे के कंटेंट को डिस्कस करेंगे ताकि पॉइंट पर आपको याद आ जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड इंस्ट्रक्टेड द गवर्नमेंट वीमेंटली टू इम्पोज आर्टिकल 44 इन मोहम्मद अहमद खान वर्सेज शाह बानो बेगम, पहला केस, सुप्रीम कोर्ट को जोड़ रहे हैं UCC के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसका क्या नजरिया है, क्या वो बिल्कुल उदासीन है इस मामले में या कोई इंटरेस्ट ले रहा है। तो देखिए, मगर किसी भी सरकार ने बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत नहीं की, या वो चाहते ही नहीं थे बांधने की क्यों, बट यहाँ पर फिर कंट्राडिक्शन कर गए, एनी गवर्नमेंट वो बांधने ही नहीं चाहते थे, क्यों बांधेंगे वो, आर्टिकल 370 कौन उठाएगा, ट्रिपल तलाक को चैलेंज कौन करेगा, किसी ने नहीं किया, किया जब किया, एनी गवर्नमेंट डिड नॉट डेयर टू बेल ए कैट, ये हमारी फ्रेज है, बेल ए कैट यानी खतरा कौन बोल लेगा, बिल्ली के गले में घंटी बांधे के वो खा जाएगी, कुत्ते के गले में तो बांध दीजिए वो कुछ नहीं कहेगा, यू कैन से डिड नॉट डेयर टू बेल ए कैट, कौन बांधेगा बिल्ली के गले में घंटी, कौन बांधेगा, कोई नहीं बांधेगा, खतरा कौन बोल लेगा, 370 क्यों नहीं उठाया, क्योंकि बेल ए कैट था, ट्रिपल तलाक को चैलेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि बेल ए कैट है, UCC भी उसी दिशा में चल रहा है, और भी कई प्रॉब्लम्स है जो उसी दिशा में चल रही है, उनका भी डिस्कशन करेंगे ऐसे के फॉर्म में। और इस प्रकार सरला मुदगल, दूसरा केस इंपॉर्टेंट कर लेना, सरला मुदगल बना भारत सरकार में, ये महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया कि इस कानून को अनिवार्य रूप से लागू कर देना चाहिए, दूसरा आपका केस, द सेमिनल डिसीजन हैड बीन प्रोनाउंस्ड, द सेमिनल द सिग्निफिकेंट कुछ भी इंपॉर्टेंट कर देना, पेन नहीं रुकना चाहिए, बस आपका एक ही थ्योरी होना चाहिए कि पेन नहीं रुकेगा मेरा, तो इतना फास्ट पेन चलाना है कि पेन नहीं रुकना चाहिए, द सेमिनल डिसीजन
सेमिनल डिसीजन हैड बीन, पैसिव में आप लिखते लिखते क्लियर हो जाओगी कहाँ हैड बीन आएगा और कहाँ हैज बीन आएगा। लिखने से आप तीसरा ऐसे लिख रहे हो, देखो अपने आप ही कॉन्फिडेंस चेंज है। प्रनाउंस्ड इन सरला मुद्गल, ये इसका नाम याद रखना है, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको वो पॉइंट्स याद रहे। सरला मुद्गल वर्सेस सरला वर्सेस वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे केस का नाम याद रखना है हमें। सरला मुद्गल है, उसका नाम है हमारा मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाबानो बेगम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरला मुद्गल में क्या कहा, ये कहा, कहानी वही है, क्या कहा उसको घुमा के कहा जा रहा है। दैट दिस लॉ मस्ट बी इम्पोज्ड एसेंशियली, दैट इस कानून को, दैट महत्वपूर्ण लिख दो इसको, एक और वर्ड बढ़ जाएगा, सिग्निफिकेंट, दैट दिस, दिस और लगाओ कि ये कानून, दैट दिस सिग्निफिकेंट लॉ मस्ट बी वो जोर दे रहा है, मस्ट बी कह रहा है, वो शुड नहीं कह रहा, मस्ट बी इम्पोज्ड अनिवार्य रूप से, इनएविटेबली अनिवार्य रूप से, मैंडेटरी या एसेंशियली कर दो, हल्का वर्ड लिखना है, एसेंशियली से भी काम चल जाएगा, एसेंशियली दो केस लिए यहां पर। पहला केस है आपका मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, ये कहा कि अनुच्छेद 44 को लागू कर दो, यानी यूसीसी को इनडायरेक्टली लागू कर दो। पहला केस अभी प्रिंट कर लो, जो याद करने का झंझट का था। सुप्रीम कोर्ट के पास गए, वहां में दो केस मिले, एक केस का नाम था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, उन्होंने कहा यह झंझट खत्म करो कि इनके लिए अलग रूल है, उनके लिए अलग रूल है, इनके लिए झंझट ही खत्म करो, ये 125 में नहीं आ सकते हैं, ये सीआरपीसी 125 को कवर नहीं कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा ये झंझट सारा खत्म करो, आर्टिकल 44 खत्म करके सारी कहानी को ही खत्म कर दो ना तुम। लेकिन फिर हमने कंट्राडिक्शन कर दिया उसके कारण कि कोई सी गवर्नमेंट ने हिम्मत ही नहीं की कि बैल एक एक्ट कौन बांधे, कौन किसी संप्रदाय से पंगा मोल ले, कौन एक कैचे टार्टर करे, स्टेयर द ऑर्डिनेंस करे, चल रहा आंख बंद कर ली, यू कैन से टर्न ए ब्लाइंड आई, चलने दो, हमारे तो 5 साल की रिजीम है ना, खत्म, अगले 5 साल में हम आएंगे नहीं, क्यों झंझट मोल करें, फिर अगले 5 साल में आ जाएंगे, तो हमारा तो कहानी पक रही है, हमारी तो दाल पक रही है, हमें क्या लेना देना है, हमारी तो दाल गल रही है, हमारा जो कोक है वो तो फाइट कर रहा है, हमें किसी से लेना देना नहीं है। दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट आया, वो तो सही बात करता है क्योंकि न्यूट्रल है, उसको तो लेना देना नहीं है जाति संप्रदाय से, सुप्रीम कोर्ट तो वही कहेगा जो लीगल है, जो जायज है, जो लॉजिकल है, जो रेशनल है, उसी ग्राउंड पर उन्होंने दूसरा फैसला दिया, उस केस का नाम दिया सरला मुद्गल वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरला मुद्गल वर्सेज भारत सरकार भी क्या कहा कि ये सिग्निफिकेंट लॉ है, उसे लागू कर देना चाहिए अनिवार्य रूप से, अपरिहार्य रूप से, आवश्यक रूप से, जरूरी रूप से, एसेंशियली, लेकिन आपका इसे जरूरी है, ये हमारा इंस्ट्रक्शन है, ये हमारा इंस्ट्रक्शन नहीं है, सख्त हिदायत है, हिदायत बोलेंगे यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन नहीं, सख्त हिदायत है हिंदी में बोलेंगे तो, दिस इज आवर स्टर्न इंस्ट्रक्शन, क्या दैट यू शुड या द गवर्नमेंट मस्ट इम्पोज दिस सिग्निफिकेंट लॉ इनएविटेबली और एसेंशियली। मैं रिपीट कर रहा हूँ कंटेंट को दिमाग से, और दिमाग को इससे कनेक्ट करना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड इंस्ट्रक्टेड द गवर्नमेंट वीमेंटली टू इम्पोज आर्टिकल 44 इन मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, बट एनी गवर्नमेंट डिड नॉट डेयर टू बैल ए कैट। The seminal decision had been pronounced in Sarla Mudgal versus Government of India that this significant law must be imposed inevitably या essentially, अनिवार्य रूप से आप इस चीज को लागू कर दें। हम आपको दो केसेस में ऐसा कहने की हिदायत कर रहे हैं, आपको ऐसा करने का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, vehemently पुरजोर कर दीजिए, vehemently भूल जाए तो strictly कर दीजिए, sternly कर दीजिए, मगर कोई ना कोई एडवर्ब जरूर लगा देना ताकि थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पर पावर आ जाए, उस पर काम करने का जोर आ जाए, क्योंकि आगे कोर्ट बैठा हुआ है,
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो इसका तो डिसीजन थोड़ा सा पावर लेकर आएगा, थोड़ी सी जिसे कहते हैं मजबूरी लेकर आएगा उसे अमल के में। दैट दिस की यह दैट यानी कि आ गया, ये तो कंजक्शन आ गया और ये महत्वपूर्ण निर्णय है, दैट दिस सिग्निफिकेंट लॉ मस्ट बी इम्पोज इरेविटेबली। दैट यहां पर कंजक्शन है, इससे इसका लेना देना नहीं है, इससे इसका लेना देना नहीं है। तो दो केसेस आपको यूसीसी में जरूर मेंशन करते हैं, पहले का नाम है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, और दूसरा वैसा ही लैंडमार्क डिसीजन है सरला मुदगल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन दो केसेस अपन को मेंशन करने हैं, ऐसे मेंशन करने से जो आपके ऐसे की गरिमा बढ़ेगी वो देखना, आपके नंबर बताएंगे कि सर हमने जो किया वो बहुत अच्छा था, मजा आ रहा है ना। हाँ वो भी कनेक्टिविटी है, बिल्कुल कनेक्टिविटी है, याद आ जाए और उसके फैक्ट्स आपको याद हो तो यू शुड मेंशन दैट फैक्ट, क्योंकि वो इससे कनेक्टेड है, वो भी इससे कनेक्टेड है, शाहरा बानू वाला भी इससे कनेक्टेड है, सीआरपीसी को उसी में लागू किया था, ट्रिपल तलाक वाला है, मेंशन कर सकते हैं, यस वो भी इसका मेंशन है, बिल्कुल कनेक्टिविटी है, रेशनल है, वो भी यहाँ पर कनेक्शन लेगा, क्यों, क्योंकि वो भी उनका ऐसा मुद्दा है कि वो अलग कहानी कहता है और हमारी कहानी अलग है। आइए ये कानून अब कहते हैं हम कि हम इसके पक्ष में क्यों हैं, ये कानून किसी भी प्रकार अनुच्छेद 25, 26 और 27 के मूल अधिकारों का ना तो उल्लंघन करता है ना ही हनन करता है, तो ये चीज भी दिमाग से निकाल दो कि साहब फंडामेंटल राइट का हमारे इफेक्ट होते ये कानून आ जाएगा, क्योंकि इसके पक्ष में आ रहे हैं ना। तो आप देखिए दिस लॉ ना तो करता है, दिस लॉ ये जो कानून है ये जो यूसीसी आएगा तो उधर जोड़ेंगे तो सही, दिस लॉ ना तो का यूज देखिए, अपने कंजक्शन पढ़ा आज यूज हो रहा है सही में तो, दिस लॉ नाइदर वॉयलेट, ना तो उल्लंघन करता है ना उसका तोड़ता है, Neither violate, ना तो उल्लंघन करता है ना ही हनन करता है, nor, neither nor का यूज देखो ग्रामर कैसी रुतबा दिखाती हुई आ रही है, Neither violate nor siege, ना तो हनन करती है, हिंदी में भी देखो इंग्लिश में भी देखो कैसा अच्छा कंटेंट लग रहा है, सुबह सुबह माँ सरस्वती की पूजा करना कितना अच्छा लगता है, लेकिन डेडिकेशन के साथ एक चीज याद रखना, बस माँ सरस्वती की दिल से जिसने पूजा की है ना वो अपना कर्जा कभी उधार नहीं रखती है, बस ये माँ सर लेकिन दिल से मजाक कर ली, किताब को ऐसे सोके पढ़ लिया फिर कीमत चुकानी पड़ेगी, किताब वो सीधी कमर करके और फिर पढ़ते हैं ना तो ही जोर आता है, बिहारियों की तरह एक टेबल ली और टेबल पे पढ़ रहे हैं या कुछ भी नहीं तो लिया और उसमें अपना वो रहते हैं और वो चौकी लेते हैं और सीधा होके पढ़ते हैं, इसको भी रेस्ट नहीं करते तो नेचुरली रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, एक सोके पढ़ रहे हैं तो भैया सरस्वती का अपमान कैसे बर्दाश्त होगा, गलत है वो। This law neither violated nor seized. क्या सीज आ जाइए फंडामेंटल राइट्स जोड़ दिया, देखो ऐसे किस रुतबे में चल रहा है, जब आपको अच्छा लग रहा है तो जो को नंबर देगा उसको कितना अच्छा लगेगा खुद आप कल्पना कर सकते हैं, कोई वर्थलेस लाइन नहीं है, एक वर्थलेस लाइन नहीं, फंडामेंटल राइट्स ऑफ किस किस के 25, 26, 27 थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, ऑफ आर्टिकल of article 25, 26 and 27, वो वॉयलेट भी नहीं करता सीज भी नहीं करता, ऐसा नहीं कोई मुस्लिम का कोई अधिकार छिन जाएगा, नो कभी नहीं। आगे देखिए मगर तीन तलाक और हलाला जैसी कुरीतियों को समाप्त कर एक शानदार परंपरा की शुरुआत की गई थी, अंडरलाइन कर लो, ट्रिपल तलाक और हलाला जैसी कुरूतियों को समाप्त कर, हैविंग को यूज करो, देखो हैविंग का यूज कहाँ हो रहा है, जहां जिसकी जरूरत होती है हमें करना पड़ेगा, हैविंग एंडेड समाप्त कर, वर्ब के रूप में ला रहे हैं एंड को, हैविंग एंडेड सोशल इवेल्स सामाजिक कुरूतियां, सोशल इवेल्स बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बहुत समझते हुए, समझ के लिखना है कभी रट के मत लिखना, नहीं तो इस जंपलिंग तो सवाल ही नहीं है, और ये जंपलिंग नहीं करोगे आप एक एडिटर के समकक्ष अपना ऐसे नहीं लिखोगे, आपके नंबर सवाल ही नहीं है, 12 नंबर आएंगे, 11 आएंगे, 7 आएंगे, उससे आपकी मेरिट जाएगी नहीं आगे। हैविंग एंडेड सोशल इवेंट्स लाइक किसकी तरह, ट्रिपल तलाक,
बड़े आराम से, लाइक ट्रिपल तलाक एंड हलाला, देखिए हैविंग एंडेड सोशल इवेंट्स लाइक ट्रिपल तलाक एंड हलाला, हो गया एक वाक्य समाप्त। दूसरे पर आओ, क्या किया, एक नए रिवाज की शुरुआत की गई थी, एक शानदार परंपरा की शुरुआत की गई थी, ए ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस मॉरीज, शानदार परंपरा। दस्तूर याद आए तो प्रैक्सिस कर देना, क्योंकि दस्तूर भी हिंदी में लिखने में बड़ा प्यारा लगता है। प्रैक्सिस हैड बीन स्टार्टेड, एक शानदार परंपरा की दस्तूर की शुरुआत हुई थी। बहुत अच्छी लाइन, बहुत दिल को छूने वाली लाइन। और नई शुरुआत करने को यदि आप फ्रेज में कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं ब्रीक ए न्यू ग्राउंड, एक नई परंपरा की शुरुआत करना, एक अच्छी परंपरा की शुरुआत करना, ये फ्रेज में कहेंगे। एक नई और अच्छी परंपरा यानी नए सूरज का आगमन, नई और अच्छी परंपरा की शुरुआत, जैसे पंचायत में सरपंचों के चुनाव में लेडीज को आपका रिजर्वेशन देना, इससे जो बैकवर्ड लेडीज थी वो भी ऊपर आई, उनको भी पता चला जिंदगी क्या होती है, नहीं तो उनकी जिंदगी जानवर से भी बदतर थी। वो है ब्रीक ए न्यू ग्राउंड। उस फ्रेज को क्यों मेंशन किया, क्योंकि वो फ्रेज अपन किसी भी ऐसे में बहुत अच्छे रुतबे के लिए बुला सकते हैं। काफी अच्छे लॉज आए जिनसे नई परंपरा आई, ब्रीक ए न्यू ग्राउंड, यानी किसी भी लॉ का यदि आपको फायदा दिखाना है, किसी भी पॉलिसी का आपको फायदा दिखाना है, किसी भी स्टेप का आपको बेनिफिट दिखाना है, यानी पॉजिटिव वे में बात करना है, तो वो फ्रेज एप्लीकेबल है। आइए दिमाग में कंटेंट को प्रिंट कर लेगी, अगले पैराग्राफ में हम क्या शो करना चाहते हैं। अगले पैराग्राफ की पहली लाइन ये कहना चाहती है कि किसी भी व्यक्ति को शक हो, ये डाउट हो किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति को कि यूसीसी लागू होगा तो क्या हमारे फंडामेंटल राइट इफेक्ट होंगे, उनका उल्लंघन होगा, नहीं, क्या हमारे फंडामेंटल राइट का हनन होगा, क्या कोई ऐसा रूल आ जाएगा कि हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेशन पर आ जाए, नहीं भाई तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूसीसी का फंडामेंटल राइट से डायरेक्ट कोई कनेक्शन ही नहीं है, ना पॉजिटिव वे में कनेक्शन है ना निगेटिव वे में कनेक्शन है। वो कानून तो ये कहता है कि जैसे अदर लोग जी रहे हैं इस भारत में, उस कानून के तहत आप भी आ जाओ, वो यही तो कहना चाहता है और कुछ नहीं कहना चाहता। वो ये थोड़ी कहता है कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट का किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन अदर जो लोग एक शादी करके जी रहे हैं या एक तरह के उनके तलाक का सिस्टम है या एक तरह के अडोप्शन का सिस्टम है, वो लोग तुम भी फॉलो कर दो। वो लोग कौन सा जानवर का जीवन जी रहे हैं, वो भी तो आपका जिसे कहते हैं इंसानी जीवन ही जी रहे हैं, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ये तो हम कह रहे हैं और कह क्या रहे हैं, ये तो हमारा लॉजिक है, ये तो हमारा तर्क है, यही तो हमारा प्रेजेंटेशन है, और क्या है, कुछ नहीं। फिर आपने डाला हैविंग एंडेड सोशल इवेंट्स लाइक ट्रिपल तलाक एंड हलाला, ए ट्रिमेंडस मॉरीज ऑफ प्रैक्सिस हैड बीन स्टार्टेड। इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लो, उससे भी करेक्शन कर दो कि एक शानदार, एक गजब परंपरा का, एक गजब दस्तूर की शुरुआत की गई थी, और होगी तो विल बी कर देना, हुई है तो हैज बीन कर देना, वो हमारे टेंस की कहानी है। आगे चलिए, संविधान निर्माताओं का ये ख्वाब जल्दी ही साकार हो जाएगा, कितना पॉजिटिव होकर आ रहे हैं हम। संविधान निर्माताओं का जो हमसे नहीं जोड़ रहे, हम जोड़ रहे उधर से, देखिए ये ख्वाब पूरा हो जाएगा, ये ख्वाब कंप्लीट हो जाएगा, कैसे, दिस सरियल ख्वाब लिखा है मैंने, ड्रीम से भी काम चल जाएगा, नहीं याद आए तो, लेकिन कनेक्शन में रहना चाहिए बस, ड्रीम आ सकता है और कुछ नहीं आएगा, विचार नहीं आएगा, क्योंकि विचार और ख्वाब में थोड़ा सा फर्क है। सपना वो होता है जिसकी हमें रिस्क में होते हैं कि पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब पूरा हो जाएगा। दिस सरियल और ड्रीम विल बी पैसिव में आप फुलफिल्ड या कम्स ट्रू भी कर सकते हो, विल बी कम की तीसरी फॉर्म कम ही होती है, कम ट्रू, सच हो जाएगा, रियलिटी में बदल जाएगा। दिस सरियल और ड्रीम विल बी कम ट्रू, कम की थर्ड फॉर्म कम होती है, केम सेकेंड फॉर्म होती है, तो थर्ड फॉर्म में केम नहीं आएगा, ट्रू किसका, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर,
संविधान निर्माताओं को हमने कहानी वही कर दी, क्योंकि उनकी बहुत इच्छा थी कि कोई भी सरकार आए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बहुत अच्छे से समझना है कि ख्वाब बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, दिस सरियर विल बी कम ट्रू सून, सूनो लगा दो ताकि हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो, नहीं भी लगाओ तो चल जाएगा, लेकिन जल्दी बोला है ना, तो दिस सरियल और ड्रीम विल बी कम ट्रू सून ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, संविधान निर्माताओं का ये ख्वाब बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, ऐसा हमारा चल रहा है, ऐसा हमारा विचार है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आगे चलिए, हमारे देश में गोवा के नागरिक समान नागरिक संहिता के साय में मानव जीवन की प्रगति का आह्वान और निर्माण कर रहे हैं। देखिए क्या लाइन लिखी है, देखिए, देश में गोवा के नागरिक, उनको भी ले लिया, जी रहे हैं इसमें, द सिटीजन ऑफ गोवा, द सिटीजन ऑफ गोवा, ये हमने पॉजिटिव पॉइंट डाला है, द सिटीजन ऑफ गोवा क्या कर रहे हैं भाई लोग, गोवा आपका सिटीजन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, द सिटीजन ऑफ गोवा इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री, हमारे देश में गोवा के नागरिक, इन आवर कंट्री, सेंटेंस से जितना फोबिया उठाओगे ना उतना फायदे में रहोगे, द सिटीजन ऑफ गोवा इन आवर कंट्री, हमारे देश में गोवा के नागरिक, इससे भी काम चल जाएगा, वो नहीं लिख पाओ तो गोवा के नागरिक, क्योंकि गोवा है तो हमारे देश में, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मेंशन करें, याद आ जाए तो प्रेजेंटेशन पूरा है, नहीं अधूरा भी नहीं है, क्या करें, देखो आगे उसको, इसको छोड़ो, देश में इसको छोड़ो, गोवा के नागरिक क्या कर रहे हैं वो कहानी सुनिए, मानव जीवन की प्रगति का आह्वान और निर्माण कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, मानव जीवन की प्रगति का आह्वान और निर्माण, हिंदी में अंडरलाइन कर लेना, सत्यवीर काम आएगा, आह्वान और निर्माण, मतलब देखो हिंदी हिल रही है, इंग्लिश तो हिले ना हिले, आर आह्वान, कितना प्यारा वर्ड है, हिंदी आज अच्छी आई है, आर इनवोकिंग आप फली हुए क्या, वो तो फैली है, आप तो एसी हो वो तो फैली हुआ है, यूपीएससी की तैयारी में मेरा एक स्टूडेंट गया था वहां पर, वो अच्छे इंस्टीट्यूट में था, उसने कहा आप अंग्रेजी पढ़ाते हो हमारे सर के बराबर, आपका 1/4 कमांड नहीं है, अब ये कंटेंट यदि तैयार नहीं हो तो क्या इससे लिखा पढ़, सोचो इस कंटेंट को तैयार करने में कितना टाइम लगा होगा, कितना टाइम, और ये कंटेंट नहीं है तो कौन सा ऐसे लिखूं मैं, क्या क्या मैं बोर्ड के सामने खड़ा होगी क्या करूं मैं, क्या करें, इतना कंटेंट बुलाया जा सकता है, और बुला लिया, मान लो बुला भी लिया कैसे जाए, तो एक पैराग्राफ पूरा होगा, कितनी स्पीडली थर्ड पार्ट कवर कर लिया, कितनी स्पीडली, और मेंशन सब जगह आपके पास, मतलब क्या, अपन लोग कहते हैं ना शिक्षा क्यों नहीं होती, क्या स्मार्ट तरीका यूज कर रहे हैं देखो पढ़ाई का, नहीं वो बोरिंग तरीका आ रहे हैं और सोच अब क्या लिखूं अगली लाइन, फिर सोचना पड़ेगा, फिर अगली लाइन, अब तो यार यहाँ पर एग्जाम कोई 5 साल बाद थोड़ी है, एग्जाम आया और खत्म हो गया, अब कितना स्मार्ट तरीका है, कंटेंट यहाँ पर भी, कंटेंट वहां पर भी, और आपका जिसे कहते हैं ऑडियो में, अब ऑडियो आप सुन रहे हो, आया कि नहीं आया, ऑडियो को जब सुन लो, खाली बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, बस में हो, यहाँ पर हो, वहां पर हो, ऑडियो को सुनो बस, आर इनवोकिंग, देखिए आह्वान करना इंपॉर्टेंट कर लेना, हिंदी में भी मार्क्स दिलवा के छोड़ूंगा, याद करोगे सर को कि सर हिंदी में मार्क्स दिलवाए थे, आर इनवोकिंग एंड निर्माण, एंड निर्माण, एंड कार्विंग, बहुत अच्छे वर्ड, हिंदी की वॉकअप को भी इंपॉर्टेंट करते चलो, क्योंकि हिंदी भी हमारा पार्ट है, नंबर लाने, हिंदी से आए, इंग्लिश से आए, इंटरव्यू से आए, लॉ से आए, सब जगह से आए, आह्वान और निर्माण, आच्छादित, वर्ड पकड़ो, कितने प्यारे वर्ड्स हैं, देखो वही बात, आपका कुमार विश्वास है क्या हिंदी यूज करता है सुनने में मजा आता है, मोहनी मोहन है क्या हिंदी यूज करती है सुनने में मजा आता है, अपना वो फिल्म स्टार है क्या नाम है, रेणुका शानी का पति, बहुत अच्छी हिंदी बोलता है, मजा आ जाता है उसकी हिंदी सुनकर, बहुत अच्छा बोलता है, क्या हिंदी को यूज करता है, ऐसे लगता है सुनते रहो, कुमार विश्वास भी वही है, लेकिन जब वो हिंदी यूज करता है तो लगता है क्या हिंदी यूज हो रही है, तो हिंदी का वर्चस्व सुनने में लिखने में और भी प्यारा लगता है, आह्वान निर्माण आच्छादित अच्छा लगता है, खंडन इनवोकिंग एंड कार्विंग बहुत अच्छे वर्ड, काय का ऑफ हिंदी किसकी,
कार यानी निर्माण करना, सृजन करना, और भी प्यारी हिंदी कर लो, सृजन करना, निर्माण करना, ये वर्ड यूज करना आप हिंदी के, ऐसे में नंबर उछल कर आएंगे। इनवोकिंग एंड कार्विंग किसका, किस चीज का, ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन का, ऑफ ह्यूमन लाइफ। हिंदी के दोनों ऐसे में, आपके ऐसे में दोनों भी नंबर मैं दिलवा के लाऊंगा आपको, गारंटेड है, ये गारंटी कर लो कि दोनों ऐसे में नंबर आपके छप्पर फाड़ के आएंगे, छप्पर फाड़ के। क्यों, मैंने भी प्रेजेंटेशन देखा है कि प्रेजेंटेशन किसको आपको छूता है, आप लोगों को छू रहा है उसको नहीं छूएगा, आप लोगों को छू रहा है नहीं, मेरे बकवास है तो कौन चलेगा यार, देख लेंगे बाद में क्या करें, रख लेंगे ये चीजें, लेकिन कोई चीज आपको कह रही नहीं रही क्लास में 8 बजे तो 8 बजे, 8:01 पर भी नहीं, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ स्लिप हो जाएगा। इनवोकिंग, फिर देखिए आप, जो अन्य राज्यों के लिए एक जीवित उदाहरण है, भाई सब पर लागू कर दो, विच इज लाइफ लाइफ एग्जाम्पल, यूसीसी के बारे में सब आ जाओ, विच इज लाइफ लाइफ एग्जाम्पल, एक जीवंत उदाहरण है, इसको भी इंपोर्टेंट कर देना, लाइफ लाइफ एग्जाम्पल फॉर अदर स्टेट्स। ऐसे में आप किसी को बेवकूफ बनाने के लिए आटे में नमक जितना तो कर सकते हो, वो तो चल जाएगा, लेकिन आप सोचो पूरा ही ऐसे आप किसी को बेवकूफ बनाने के लिए लिखें, वो भी एक्सपीरियंस होल्डर है, उसे भी कंटेंट का पता है, उसे भी पता है कि क्या चीज लिखनी है क्या चीज नहीं लिखनी। दिस लॉ नाइदर वायलेटेड नॉर सीज फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 25, 26, 27। मेरी एक स्टूडेंट है सुप्रिया जोशी, मेरे उधर ही रहती है, वो अभी तो इसी जेल में, कहीं बूंदी या कहीं पर, उसके इंग्लिश में 34 मार्क्स आए थे, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे सिलेक्शन हुआ था, इंग्लिश में एक नंबर भी कमा जाता ना प्रॉब्लम पैदा कर देता, पर वो 34 मार्क्स उसको, और वो चौथे अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुई थी, 3 अटेम्प्ट तो फ्री चले गए उसके, क्योंकि मेरे से फोर्थ अटेम्प्ट में मिली थी, बोले सर मैं आरजेएस नहीं बन सकती, मेरे पापा ऐसे कहते वैसे कहते, मैंने कुछ नहीं, मेहनत करो, और फिर वो वो निकाल ली गई थी, और इस समय इसी जेल में, तो ये चीज उस समय तो ये था ही नहीं, मैंने तो एक ऐसे नहीं लिखवाया था ही नहीं, सिस्टम ही नहीं था अपने पास किससे लिखवाएं, और बोर्ड पर लिखाने वेस्टेज ऑफ टाइम है, और फिर कंटेंट भी कहाँ रहते थे अपन को पता नहीं, सिर्फ इंग्लिश का बेस तैयार करवा दिया, अभी सेंटेंस ऐसे फ्रेम होते हैं, ऐसे बनते हैं, ऐसे, अब देखो आपके सामने पूरा हिसाब किताब है, कहाँ कंटेंट छूटेगा। नहीं मैं आपको कहूँ कंटेंट लेकर आओ, अब इस 90 दिनों के पीरियड में आप कहाँ से कंटेंट लाओगे, बर्बाद। मैं बोलूँ मैं सोच सोच के यहाँ लिखाऊंगा, बर्बाद। एक ऐसे या तो 10 दिन में पूरा नहीं होगा, या फिर ऐसे कंप्लीट ही नहीं होगा, तीसरे ऐसे को कंप्लीट कर लेंगे अपन, सिर्फ एंटरटेनिंग क्लास के थ्रू क्या करते हैं, सुबह मिलके थोड़ा सा मनोरंजक क्लास करते हैं, तो कोई इसमें क्लास का भी लेना देना नहीं है, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। यूसीसी को देखो कितना प्यारा तरीके से उतारा है, एक बार रिपीट करते हैं, दिस लॉ नाइदर वायलेटेड नॉर सीज, नाइदर वायलेट करो इसको, किसका, लाइफ लाइफ एग्जाम्पल, लाइफ लाइफ एग्जाम्पल, हाँ लो लो कनेक्शन के लिए जो जोड़ता है ना, ह्यूमन लाइफ विच इज, वो हमारा पूरा वो है, यहाँ पर हु वगैरह नहीं आएगा, ये हमारा है इसके बारे में, द सिटीजन ऑफ गोवा इन आवर कंट्री आर इनवोकिंग और कार्विंग ह्यूमन लाइफ, ये हमारा पूरा थॉट है, यहाँ पर थॉट है, यहाँ पर विच आएगा, जो जो लाइफ लाइफ एग्जाम्पल है वो उसे वो पर्टिकुलर इंसान के बारे है क्या, हु नहीं आएगा, हु इज लाइफ लाइफ एग्जाम्पल, हु नहीं आएगा, यहाँ पर कोई पर्सन होता ना तो ठीक था, ये हमारे कंप्लीट थॉट है, ये कंप्लीट विचार है, कंप्लीट प्रेजेंटेशन है, उसके लिए विच आएगा, कि ये पॉलिसी ऐसा करती है, इंसान हो चाहे कुछ भी हो तो वहां पर विच आएगा। तो देखिए दिस लॉ नाइदर वॉलेट, वॉलेट में नहीं हटा देना क्योंकि B1 में है, ना तो उल्लंघन करती है ना ही हनन करती है, किसका, फंडामेंटल राइट का, मूल अधिकारों का, जो कहां दिए गए, ऑफ आर्टिकल 25, 26, 27 में पहला। फिर आगे आइए, सामाजिक कुरूतियों को मिटाकर, वर्ड हैविंग से यूज करेंगे, हैविंग एंडेड सोशल इवेल्स लाइक ट्रिपल तलाक एंड हलाला, दो कुरूतियों का मेंशन कर दीजिए आप, दो कुरूतियां मेंशन हो गई, दो केस मेंशन हो गए, दो कुरूतियां मेंशन हो गई, दो केस मेंशन हो गए, लाना ये तो कंटेंट ही तो डेटा, इसके बिना तो करेंगे क्या, ये मेंशन नहीं करें तो लोगों के बराबर, लोगों के बराबर का मतलब गेम से बाहर, कुछ स्पेशल, कुछ कुछ स्पेशल, हैविंग एंडेड सोशल इवेंट लाइक ट्रिपल तलाक एंड हलाला,
ए ट्रिमिनस मोरी जो प्रैक्टिस हैड बीन स्टार्टेड, एक शानदार परंपरा की शुरुआत हुई थी। ए ट्रिमिनस मोरी जो प्रैक्टिस हैड बीन स्टार्टेड हुई थी, की गई थी, एक ही बात है। दिस सरियल और ड्रीम विल बी कम ट्रू, लेकिन ये ख्वाब, ये अच्छा ख्वाब, ये सुनहरा ख्वाब, ये हमारा सपना, ये अधूरा सपना, कुछ भी कहानी को गढ़ते रहा करो, बस पूरा हो जाएगा, जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा। ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, भारतीय सॉरी संविधान निर्माताओं का जो सपना था कि आप 44 को अप्लाई कर दो, जैसे 25, 26, 27 तो वो लेट नहीं होंगे, लेकिन अप्लाई कर दो, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। द सिटीजन ऑफ गोवा, गोवा के सिटीजन इन आवर कंट्री आर इनवोकिंग, बहुत अच्छे वर्ड, इनवोकिंग एंड कार्विंग, इनवोकिंग एंड कार्विंग, इनवोकिंग एंड कार्विंग, आह्वान कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं ऑफ ह्यूमन लाइफ, वो मैं कहता हूँ शानदार जीवन जी रहे हैं। देखो वर्ड को जब खेला हमने, क्या वर्ड आए, इन्वोक कर रहे हैं और कार्विंग कर रहे हैं ऑफ ह्यूमन लाइफ विच इज लाइफ लाइफ एग्जाम्पल, जो जीवंत उदाहरण है फॉर अदर स्टेट, लाइक LIKE, लाइफ लाइक है, लाइफ लाइक, लाइफ लाइक का मतलब है जीवंत उदाहरण, लाइफ के साथ लाइक कर दो। कल किसको जोड़ा था अपने लाइफ लाइक के साथ, कल किसको जोड़ा था लाइफ लाइक का, कहां मेंशन किया था अपने, याद करो कुछ और भी याद आ जाए। लाइफ लाइक को अपने यूथानिशा में कहां मेंशन किया था, अपने कहा था ना सीता और भीष्म यूथानिशा के जीवंत उदाहरण थे, सीता एंड भीष्म वर लाइफ लाइफ एग्जांपल ऑफ विलिंगली डेथ, स्वेच्छा से तो मृत्यु की थी, तो वो सीता जी ने कहा था कि धरती फट जाए और मैं समा जाऊं, और भीष्म ने कहा था भाई अपना उत्तरायण आ गया अब अपन जाएंगे, तो उन्होंने उसको त्याग दिया था, तो वो क्या एग्जाम्पल थे, जीवंत उदाहरण, लाइफ लाइफ एग्जाम्पल। और तीसरा अपने आध्यात्मिकता से उसको यूथानिशा को जोड़ा था, वो क्या था, जैन धर्म की संथारा प्रथा, जैन धर्म की संथारा प्रथा में ह्यूमन बॉडी का त्याग किया जा सकता है, और हमारे भी है, साधु नहीं करते थे, वो बैठे बैठे बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं कि कंकाल बन जाते थे, तपस्या करते करते एकदम कंकाल हो गए, वो भी तो हमारा था, तो वो उसको सुसाइड नहीं कहते थे, वो आपका कहते थे ये त्याग कर सकते हो, कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, अभी कोई आमरण अनशन करे, समाधि ले ले तो कौन रोकता है, कोई नहीं रोकता, मैं तो लेऊंगा जंगल में जाके समाधि ले लेगी साहब, मैं तो बैठूंगा तो वो साहब भूखे मरेगा, तो ना जो डिहाइड्रेशन होगा तो हार्ट अटैक होगा तो डायरेक्टली सुसाइड है, सीधी सी बात है। तो आइए वापस, द लॉ नाइदर वायलेट नॉर सीज फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 25 26 27 having ended social evils like triple talaq and halala, a tremendous moorage of praxis had been started. This surreal or dream will be come true soon of constitution maker. The citizens of Goa in our country are invoking and carving of human life, which is life-like example for other state. Clear aaj ka essay? Online friends, clear? मैं आपका टेस्ट लूंगा, तो ऑनलाइन फ्रेंड्स भी टेस्ट में पार्टिसिपेट किया करो, टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से ही आप क्लियर होंगे, टेस्ट को लिखोगे तो पता चलेगा कमियां कहाँ हैं, अभी आज नॉलेज टेकर हैं, जब नॉलेज गिवर बनेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट टेस्ट कब होगा, इसको कंप्लीट होने के बाद।